अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिर्जास किचन। आज हम आसान सा अचार का रेसिपी शेयर करेंगे, अदरक और हरी मिर्च का अचार। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, मार्केट से भी अच्छा है। जब भी आपको खाने के साथ तीखे अचार का मन हो तो अचार निकालिए और इसका मजा लूटिए। अदरक और हरी मिर्च को धो के सुखा लीजिए। अदरक इस तरह हमें बारीक बारीक सा स्लाइस कर लेना है। हरी मिर्चा को 20 से दो भागों में लंबाई से काट लीजिए। इसे इस तरह लंबाई से काट लेना है। थोड़ा काट के लिया है और थोड़ा गोटे वाला हरी मिर्च भी डाला है। अब हमें इसमें अदरक डालना है। हमने 2 टीस्पून राई के दाना लिया है, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून मेथी के दाने लिया है। ये तीनों को मिला के ग्राइंड करके इस तरह हमें पाउडर कर लेना है। पूरा एकदम प्लेन पाउडर नहीं, थोड़ा दरदरा सा पीस लेना है। हल्दी हमें इसमें 1 टीस्पून डालना है, नमक 1 टीस्पून और पीसे हुए हमने जो मसाला रखा था हमें 3 टीस्पून हमें डालना है इसमें। हमें इसमें लेमन जूस डालना है, हमने 1 लेमन जूस डाले हैं। इसको अच्छे तरह से निचोड़ देना है। हमें 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर इसमें डालना है। इसमें हमें 2 टीस्पून शुगर डाल देना है, ये ऑप्शनल है। अब हमें इसमें 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल मिलाना है। अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। मस्टर्ड ऑयल हमने गरम करके ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर में इसमें डाला है। अदरक हरी मिर्च का स्वादिष्ट अचार बनके तैयार है। इसे अभी खा सकते हैं या फिर 4 दिन के बाद अचार का असली स्वाद मिलेगा। अचार को किसी भी कांच के बर्तन में भर कर रख दीजिए और इसे 2 से 3 दिन तक सूखे 7 चम्मच से अचार को ऊपर नीचे करते रहिए। इसे 2 से 4 महीना रख के खा सकते हैं। देखिए हमारा अचार बन गया है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। आप भी बनाइए और इसका जायका लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कोई भी रेसिपी छूट ना जाए। लव यू ऑल, टेक केयर। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।